हेलो गाइस, क्या आपका एफएम का पेपर है कल? और क्या आपको भी यही टेंशन आ रहा है कि प्रैक्टिकल कितना आएगा? तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि प्रैक्टिकल सीएमए का पेपर आप दे चुके होंगे मतलब। तो सीएमए में आई थिंक 23 प्रैक्टिकल्स आए थे, कम आए थे काफ़ी। तो ठीक है, इसलिए मैं भी एफएम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़े कम ही आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं आएंगे, बहुत कम तो आते भी नहीं है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 25 to 30 MCQs, ठीक है, जो टिपिकल रेशो होता है। 20 से नीचे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, 30 के ऊपर भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो 25 आप मान के चलो, और 25 में से मुझे लगता है 18 से 20 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही आते हैं, सेम या सिमिलर टाइप के ही आते हैं जो पास्ट में पूछे हुए। तो बेसिकली सिर्फ 5 या 7 ही ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको परेशान करें बस। अब ये 5, 7, 8 मार्क के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि 25 में से 17-18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो सॉल्व कर सकते हैं, जो सेम या सिमिलर टाइप के होते हैं। तो थोड़ा सा आप काम रहो, जोश जोश में ना काफी बच्चे होश खो देते हैं, होश में रहो, थोड़ा सा काम रहो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मुझे लगता है 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल के, आराम से आप 15 मार्क्स ले सकते हो। टेंशन क्या है मुझे समझ भी नहीं आता, अननेसेसरी आप टेंशन ले रहे हो, मत लो टेंशन। अच्छे से टाइप वाइज सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करो, उसमें आपको मेरी टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट काम आएगी, सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। हर टाइप में क्या अप्रोच होती है आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा सोचने का टाइम आपको मिलेगा नहीं, तो अप्रोच क्लियर कर लेना। और सेकंड है, आपको सारे पास पेपर के प्रैक्टिकल एमसीक्यूज कवर करके जाने हैं, तो उसी के सिमिलर क्वेश्चंस, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो सिमिलर ही आने वाले हैं। जितना मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ मार्क्स स्कोर करने का, कम से कम उतने क्वेश्चन तो सिमिलर ही आते हैं। कोई भी पेपर उठा के देख लो, सिमिलर क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और मुझे लगता है आपका जो मैथ्स का डर है, जो प्रेशर है, वो आपको ठीक से देखने नहीं दे रहा है, ठीक से चीज़ों को सिंप्लीफाई करने नहीं दे रहा है, आप अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो। तो प्लीज़ पास पेपर बस कवर करके जाओ, और मेरी टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट कवर करके जाओ, उसको बस अच्छे से समझ के जाओ, उसके फॉर्मूले समझ के जाओ, फॉर्मूला शीट अच्छे से पढ़ के जाओ, आराम से प्रैक्टिकल्स को आप टैकल कर लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।